मॉर्निंग बच्चों, क्लास की संस्कृत में लेसन नंबर जो 8 है, इसके कुछ श्लोक हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं और पढ़ने हैं। मैं एक बार ये फिर से रिवाइज करा देती हूँ। इसका लेसन का नाम है सूक्ति, तब कह मैं सूक्ति, गुच्छ सूक्तियाँ हैं इसमें। इसमें ये श्लोक है, एक प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यंती मानवा। प्रिय वाक्य प्रदाने मीन्स प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे में सभी, सभी मानवा मीन्स मनुष्य, तुष्यंती में संतुष्ट रहते हैं, सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, मतलब प्रिय वाक्य बोलने से कोई भी गरीबी नहीं आती। देखते ये वाला श्लोक है और एक ये श्लोक है जो आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। काके कृष्ण पिके कृष्ण कै भेद पिक का कयो वसन समय प्राप्ति काके काके पिके पिके। न काके मीन्स कोआ, कृष्ण मीन्स काला, पिके मीन्स कोयल। कोआ काला होता है, कोयल भी काली होती है। कै भेद पिक का कयो, कोयल और कोए में क्या अंतर है। वसन समय प्राप्ति, वसन समय आने पर कोआ कोआ हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात वसंत ऋतु में कोयल की जो मधुर आवाज़ है वो सुनाई देती है, तो उसके गुणों के कारण पता चल जाता है कि ये कोयल है। अब इसमें ये पहला है, ये मिलान करना है, ये सभी को करने हैं बहुत अच्छे से, पेपर में भी आएंगे आपके इस चैप्टर लेसन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन। तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम, तो इसके क्या आएगा, वचने का दरिद्रता, मतलब तो प्रिय वाक्य बोलने से कैसी दरिद्रता। गच्छन पिपी लगे याति योजना नाम स्थान्यपि, प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यंती जंतवे। किम भवेत तेन पाठेन जीवन यन सार्थक है। काके कृष्ण पे कह कृष्ण मीन्स कै भेद पे काके हो, इसके साथ ये हो गया मिलान। अब ये इनके क्वेश्चन आंसर है, अस्मा भी किम वक्तव्यम, अस्मा भी प्रिय वक्तव्यम, सर्वे जंतव्य के तुष्यंती, किससे संतुष्ट होते हैं सभी लोग, प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक काके हो भेद है, कदा भवती कब पता चलता, वसन समय आने पर। क्या गच्छन है योजना नाम सतान्यपि याति, मीन्स पिपी लग के गच्छन है योजना नाम सतान्यपि याति। एक ये है इसमें आम और नाम में आंसर देने, काके कृष्ण नय भवती, तो क्या आएगा नय, क्योंकि कोवा तो काला ही होता है। अस्मा भी प्रियम वक्तव्यम आम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। वसंत समय पिक काक्यो भेद है भवती आम। वैंत्य पशु अस्ति नय, वैंत्य बोलते हैं गरुड़ को, तो गरुड़ तो पक्षी होता है। वचने दरिद्रता नय कर्तव्य, क्या आ जाएगा आम। अब यह समानार्थक पर्यायवाची, ये बचने का क्या होता है कथने, इनके कोई ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको अपने आप लर्न करने हैं। वचने कथने वैंते गरुड़ पुस्तके ग्रंथे उद्यमेन परिश्रमेन पिके और का कोयल है, ठीक है। तो ये पूरा लेसन है आपका और इसमें ये विलोम है, सार्थक का निरर्थक है, कृष्ण श्वेत अनुक्तम उक्तम गच्छति आगच्छति जागृतस्य सुप्तस्य, ठीक है। पूरा लेसन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है।